इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज ऑन एक्सियल पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग देखेंगे। जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड होगा तो इसके लिए रेडियली आउटवर्ड होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो इसके एक्सिस के अराउंड जो चार्ज होगा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्यू टोटल चार्ज है, क्यू इक्वल टू एल इंटू यहाँ पर लिखते हैं अच्छे से टोटल चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपन एल, और यहाँ पे लिखेंगे क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। ये रेडियली आउटवर्ड होगा, ये रेडियली इनवर्ड होगा नेगेटिव चार्ज के लिए। अब इसको निकालने का क्या तरीका है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पॉजिटिव चार्ज है, उसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, इसका लेंथ है एल, एज्यूम करते हैं कि ये एक्स एक्सिस के अराउंड है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। स्मॉल चार्ज एलिमेंट डी क्यू ले लिया गया है, डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इनटू डी एक्स, इसका जो लेंथ है ये डी एक्स हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और के लेंथ हो जाएगा एक्स टोटल लेंथ पी पॉइंट तक, ये हो गया आर। डी ई जो निकालेंगे डी ई का लो के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाय इंटीग्रेटिंग इक्वल हो जाएगा के क्यू अपॉन एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, ये पॉइंट ए टू पी, पॉइंट ए का वैल्यू हो जाएगा आर और बी इक्वल हो जाएगा आर प्लस एल, मतलब ई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन आर प्लस एल के क्यू अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमको मिलेगा के क्यू अपॉन एल माइनस वन अपॉन एक्स आर प्लस एल बाय इंटीग्रेटिंग एंड सॉल्विंग के क्यू अपॉन एल इक्वल टू आएगा वन अपॉन आर प्लस नहीं ये हो जाएगा माइनस वन बाई आर प्लस एल। इसको सॉल्व करने के बाद मिल रहा है के क्यू अपन एल आर प्लस एल माइनस आर अपॉन आर प्लस एल इंटू आर, ई इक्वल टू हो जाएगा के क्यू एल एल बाई आर प्लस एल इंटू आर। फाइनल जो वैल्यू आएगा ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस एल, ये इसका वैल्यू हो रहा है।